नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सीआरपीसी की धारा 76 के बारे में बात करूंगा। यह धारा ट्रांजिट रिमांड से संबंधित है। इसके अंतर्गत अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे राज्य में आरोपी को गिरफ्तार करता है तो वहां उसे लोकल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, उसके जुर्म को बताना होता है और उससे वहाँ पेश करने के लिए जहाँ उसकी कार्रवाई चल रही है एक रिमांड लेना होता है, जर्नी का रिमांड लेना होता है ताकि वो उसको ले जा सके। इसे ही हम ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। इस प्रकार उदाहरणार्थ अगर कोई आरोपी या अभियुक्त अंडमान निकोबार में पकड़ा जाता है और उसकी कार्रवाई पटना में चल रही होती है तो वह अंडमान निकोबार के लोकल मजिस्ट्रेट के सामने उस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद प्रस्तुत करेगा। वहाँ पे उसे उसके जुर्म के बारे में बताएगा और वह पुलिस अधिकारी साथ में यह भी बताएगा कि उसे कितने दिन ले जाने में लगेंगे, अंडमान निकोबार से पटना ले जाने में कितने दिन लगेंगे। इन सारी बातों को विचार करके अवलोकन करने के बाद लोकल मजिस्ट्रेट उसे रिमांड ट्रांजिट रिमांड देंगे। आखिर यह एक प्रत्यर्पण की अनुमति है और ट्रांजिट रिमांड के अंतर्गत उसे धारा 76 के अंदर एक एक्सेप्शन है, छूट मिलती है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 57 के अंतर्गत गिरफ्तार करने के साथ ही किसी आरोपी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसलिए धारा 76 में यह व्यवस्था है कि उसे मजिस्ट्रेट ध्यान में रखते हुए ट्रांजिट रिमांड दे ताकि उसे उसके गंतव्य पे जाकर के आरोपी को वह पेश कर सके मजिस्ट्रेट के सामने। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर और पेशे से वकील, आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।